अब ये लोग जो लोग कावड़ लेने के नाम पे गांजा फूकने जाते हैं, नशे करने जाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। यात्रा अगर हजारों हजारों साल से चली आ रही है तो फिर नेम प्लेट लिखवाने का मुद्दा भी अभी क्यों उठाया? धर्म के प्रति ये लोग गलत करने के लिए इन्होंने ऐसा एक्शन लिया। गांजा का जो नशा कर रहे हैं लोग, पहले से परंपरा चली आ रही है। अच्छा, तो करेंगे वो तो, उनको तो भोले बाबा के प्रसाद को तो रोक नहीं सकते। प्रसादों को पीट करके कलामों को पूजा जाए, बस मैं ये सोचता हूँ। किसी एक गंजड़ी की वजह से पूरे कावड़ कम्युनिटी पे कब सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। कोई भी गलत काम करता है आदमी, जैसे रेपिस्ट का नाम बताने से आदमी डरता है कि मैं रेपिस्ट हूँ, मेरा नाम नहीं बताएगा, वो मुंह पे कपड़ा बांध के चलेगा। वो नशेड़ी हो सकते हैं, वो हुड़दंगी हो सकते हैं, लेकिन वो कावड़िया नहीं हो सकते। किसी को अपना नाम बताना, अपने बाप दादा का नाम बताना गलत है, तो अभी आपने अपने चैनल का और अपना नाम क्यों बताया? तो हम तो कावड़ियों को पूछते थे, अगर वो मेरे सामने आएंगे तो मैं जल से उनका पैर धोऊंगा। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग, मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में महादेव के भक्त कावड़ लेकर जो है वो हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ से जल लाकर जल चढ़ाने वाले हैं। लेकिन इसी बीच कुछ वीडियोज ऐसी वायरल हो रही है जो कहीं ना कहीं कावड़ियों पर एक प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा कर रही है। इसको लेकर जनता क्या सोचती है, वीडियोज आप जो है वो साइड स्क्रीन में देख ही रहे होंगे। कुछ जो है जनता है और साथ ही हमारे एक पत्रकार साथी भी है, उनसे भी इस विषय पर बात करेंगे क्योंकि वो काफी अच्छा जो है वो सनातन धर्म पर बोलते हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। और साथ ही जनता है, उनसे भी जानेंगे कि वो आखिर इस प्रश्न चिन्ह को किस तरीके से देखती है। सबसे पहले जनता से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? वैभव। कैसे देख रहे हैं जो कावड़ यात्रा के दौरान जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, इसे कैसे देख रहे हैं? वही ना, जो गांजा पी रहे हैं लोग। तो मैडम, ये आज इससे चल रहा है? ये आज ही मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये तो हजारों हजारों साल से लोग पीते आ रहे हैं, ये नए पे थोड़ी है। ये तो सबको पता है कि पीते हैं, आम इंसान है। जो लोग इस पे इसको मुद्दा बना रहे हैं उनको पता होना चाहिए भैया, ये नया मुद्दा नहीं है। तो कांवड़ यात्रा अगर हजारों हजारों साल से चली आ रही है तो फिर नेम प्लेट लखवाने का मुद्दा भी अभी क्यों उठाया? क्योंकि थूकना, आप थूकने का वीडियो जब वायरल होने की बात कर रहे हो, तो थूकने का तो वीडियो अब वायरल हुआ है ना। मुजफ्फरनगर में जो ये सबसे पहले लागू किया गया, डीएम साहब ने लागू करा, वहाँ पे लोकल जनता ने, एक लाठी से सबको हाँका जा सकता है क्या मैडम? अगर एक इंसान बुरा है तो सब पूरी दुनिया बुरी हो जाएगी मैडम। तो ये बताइए कि एक इंसान पूरी कौम को तो बदनाम कर रहा है ना, तो एक इंसान एक पे एक्शन होना चाहिए, पूरी कौम पे एक्शन होना चाहिए। मैडम, ये एक्शन कौन सा? पहली चीज ये बताओ, नेम प्लेट लगाना कौन सा एक्शन हो गया? अगर किसी को अपना नाम बताना, अपने बाप दादा का नाम बताना अगर गलत है, तो अभी आपने अपने चैनल का और अपना नाम क्यों बताया? चले, नाम रखना चाहिए, अपने नाम पे रखना चाहिए, अपने दुकान ढाबों ठेलों का नाम अपने नाम पे रखना चाहिए। तो फिर तो वो नाम सब भी हटने चाहिए जो भगवानों के नाम पर, माता वैष्णो ढाबा, महादेव ढाबा, ये सब भी हटने चाहिए। बिल्कुल हटना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, इस पे एक्शन कब होगा मैडम? अब चल रहा है, कानून आ जाने दो। अभी तो ये डीएम साहब का आदेश था, उस पे विपक्ष ने इतना हल्ला मचाया, इतना हल्ला मचाया कि उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ले गई। अच्छा। अब कानून बनेगा तब पता चलेगा किस पे क्या लागू हो रहा है। चले ठीक है, आप पे आते हैं। कह रहे हैं कि जो थूक वाली वीडियो वायरल हुई है उससे एक्शन हुआ है और एक इंसान से पूरी कौम पर सवाल खड़े हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पूरी कौम पर सवाल नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। ये वही कौम है जिसने वीर अब्दुल हामिद दिया है, ये वही कौम है जिसने एपीजे अब्दुल कलाम दिया है, ठीक है, ये दोनों ही हमारे लिए पूज्य हैं, बिस्मिल्लाह खा दिए हैं। लेकिन 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 ये वही कौम है जिसने कसाब दिया है, ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे नाम है। तो कसाब को इग्नोर करके, कसाबों को पीट करके कलामों को पूजा जाए, बस मैं ये सोचता हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो नेम प्लेट वाला एक्शन है मेरे हिसाब से उचित है। आप एक बात बताइए, जब आपने चैनल का इंट्रो दिया, ठीक है, आपने सबसे पहले चैनल का नाम बताया, हमारा ही चैनल है, हम दोनों साथी हैं इस चैनल में, उसके बाद आपने अपना परिचय दिया, मेरा नाम निशा लखवाल है, ठीक है, तो आपको अपना नाम बताने में कोई समस्या आई? कोई समस्या नहीं आई। मेरा नाम नीतीश ठाकुर है, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, मुझे कोई समस्या आई? नहीं आई। तो किसी और व्यक्ति को क्या समस्या होनी चाहिए? और हमारे माता पिता ने सिखाया है कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आप अपना नाम सबसे पहले बताते हैं, उजागर करते हैं, लेकिन गलत काम में नाम छुपाना पड़ जाता है। छुपाना पड़ता है अगर कोई भी गलत काम करता है आदमी, जैसे रेपिस्ट का नाम बताने से आदमी डरता है कि मैं रेपिस्ट हूँ, मेरा नाम नहीं बताएगा, वो मुंह पे कपड़ा बांध के चलेगा। तो इसी प्रकार से अगर कोई ढाबा संचालक है तो अगर उसका नाम आगे लिख ही दिया जाएगा तो मेरे हिसाब से कोई बड़ा इशू तो नहीं होना चाहिए नाम लिखने से। आपने बहुत सारी फ्रेंचाइजी सुनी होगी, करीम्स का नाम सुना होगा, ठीक है, और टुंडे कबाब का नाम सुना होगा। ये तो नाम वाली बात हो गई, इस पे एक्शन होना चाहिए। करीम्स, एक सेकंड सर, सर एक सेकंड, मैं आपसे बात करूं। करीम्स हो गए, टुंडे कबाब हो गए, हर कोई जानता है कि ये मुस्लिम फ्रेंचाइजीज है, लेकिन हिंदू वहां जाके खाना खाता है, कोई समस्या नहीं है। तो अगर कोई मुस्लिम नाम देख करके भी हिंदू स्वेच्छा से जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी
धर्म के प्रति ये लोग गलत करने के लिए इन्होंने ऐसा एक्शन लिया, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अच्छा, ये एक्शन को आप सही मान रहे हैं? हाँ, मेरे हिसाब से फिर एक्शन तो उस पे भी होना चाहिए जो कांवड़ यात्रा पे वीडियोस नशे की वायरल हो रही है, छोटे छोटे बच्चे नशे करते हुए दिखाई। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सबसे इस पे कैसे एक्शन होगा? इस पे तो बीजेपी सरकार या योगी सरकार कुछ बोलती नहीं। मैं देखिए, मैं पहली चीज, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं। दूसरी चीज, जनता है, राय रख सकते हैं। मैं एक पत्रकार हूं जो एक्टिविस्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जो लोग जिन्हें आप कावड़िया कह रही हैं, मैं उन्हें कावड़िया मानने से साफ तौर से इनकार करता हूं। वो नशेड़ी हो सकते हैं, वो हुड़दंगी हो सकते हैं, लेकिन वो कावड़िया नहीं हो सकते। कावड़ियों को आपको देखना है, आपने उनका नाम सुना है, क्या नाम है, जिन्होंने अपने माता पिता को कंधे पर लेकर के आए थे, श्रवण कुमार, ठीक है, वो उचित कावड़िये थे। आपने उन कावड़ियों का नाम सुना है जिन्होंने बहुत सारे जल लेकर के वो लोग आते हैं और अपने अलग अलग मंदिरों में जाकर के स्वेच्छा से करते हैं, उचित तरीके से भगवान के बारे में जानते हैं, महादेव के बारे में जानते हैं, माँ पार्वती के बारे में जानते हैं, उनको पूजना ठीक तरीके से उचित तरीके से समझते हैं, तो उनकी बात और होती है, ठीक है। अब ये लोग जो लोग कावड़ लेने के नाम पे गांजा फूकने जाते हैं, नशे करने जाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली तो वीड इलीगल है इंडिया में, इंडिया में वीड इलीगल है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे किसी को समस्या नहीं होगी ये बोलने में कि वो गंजेड़ी है और वो गलत है, ठीक है। तो उनके उन लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, ये आप भी मानती है, मैं भी मानता हूँ, अपितु उन्हें कावड़िया कहना भी उतना ही गलत है, क्योंकि आजकल सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट जो ट्विटर पे बैठे हुए हैं ना, और वो लोग कुछ वीडियोज उठा करके पूरी की पूरी हमारे, आपने स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला कि किसी एक की वजह से पूरे कौम पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है, उसी प्रकार से किसी एक गंजड़ी की वजह से पूरे कावड़ कम्युनिटी पे सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। लेकिन ये सवाल है कि ऐसे ही समय में क्यों ये सब चीजें वायरल होती है? ऐसे समय पे इसलिए वायरल होती है क्योंकि लेफ्टिस्ट लोग बैठे हुए हैं हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, जबकि वो सनातन धर्म के बारे में पढ़ने के लिए निकलेंगे तब उनको उचित अर्थ पता चलेगा, भगवान शिव के बारे में पढ़ने के लिए निकलेंगे तब उनको उचित अर्थ पता चलेगा। आप एक बात बता दीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ भगवान शिव के रूप के बारे में नहीं जानते मैं, देखिए बहुत सिंपल सी लाइन है, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने। तो ये जो लेफ्टिस्ट लोग बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने आज तक प्रभु के सूरत को भी नहीं समझने का प्रयास किया है, वो लोग रूप बताना क्या जानेंगे, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंद्र भवम भवामी सहितम नमामी। कर्पूर जैसे गौरे और करुणा के अवतार, वो करुणा के अवतार थे, और ये लोग जो तांडव मचाने का प्रयास करते हैं, तांडव उन्होंने कब मचाया? जब गलत हो रहा था, और जब गलत होगा तो तांडव मचाना कावड़ियों का बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अगर सही होगा तो हम तो कावड़ियों को पूछते थे अगर वो मेरे सामने आएंगे तो मैं जल से उनका पैर धोऊंगा और उनको प्रणाम करके जरूर बोलूंगा कि आप मेरे प्रदेश में पधारे, बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से रखी गई है बात और रखी गई है अपील, लगता है कि आगे कार्यवाही होगी या नहीं होगी? एक बार ये देखिए, हर हर महादेव का नारा लगाया तो मैं ही बोल देता हूँ, बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या क्या राय रखते हैं भैया, कैसे देखते हैं? मैम सही तो है फैसला, सही फैसला है, बिल्कुल नेम प्लेट का फैसला तो सही है, लेकिन जो चीजें चल रही हैं, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, मैडम देखिए जो वायरल हो रही है उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो सब चीजें गलत है, ठीक है ना, जो भैया ने कहा था वो बात सही है। आपके क्या राय है भैया की? तो अपनी राय, मेरी भी राय वही है, वही राय है, बिल्कुल। अंकल जी से बात कर लेते हैं, अंकल जी क्या नाम है आपका? नाम बोलो सिंह से कहो। अच्छा ये बताइए, सावन का महीना चल रहा है, तमाम लोग श्रद्धा के साथ जो है वो कांवड़ लेके आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ वीडियोज ऐसी वायरल हो रही है जिसमें बच्चे बड़े नशे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हुड़दंग मचाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, इस पे क्या राय है? नहीं, नशा कोई दारू का तो करते नहीं होंगे, कोई करते होंगे तो भांग गांजा का करते होंगे भाई, इसके अलावा तो मुझे तो नहीं दिखे कभी कोई दारू का। सही है या गलत है नशा करना किसी भी प्रकार का? नशा तो वैसे भी सही नहीं है, नशा तो सही नहीं है, मगर वो जो गांजा का जो नशा कर रहे हैं लोग, पहले से परंपरा चली आ रही है। अच्छा। तो करेंगे वो, तो उनको तो भोले बाबा के प्रसाद को तुम रोक नहीं सकते। अच्छा, आप मानते हैं गांजा भोले बाबा का प्रसाद है? परंपरा हमारे तो बुजुर्गों ने कहा तो वो तो करते हैं, भांग क्यों खाते हैं लोग? लेकिन एक सवाल ये है, तो खिलाते हैं ना लोग, क्यों खिलाते हैं? लेकिन कुछ होली का त्योहार होता है, भांग घोटते हैं, दूध में मिला के पिलाते हैं, पीते हैं ना, पीते हैं वो तो। लेकिन कहा तो ये भी गया था कि संसार के कल्याण के लिए उन्होंने विष भी पी लिया था, तो क्या जो गांजा भांग पी रहे हैं वो विष भी पियेंगे कल्याण? वो एक अपनी अपनी सोच है, वो भाई 90% आदमी नहीं पीता, 10% ही पीते हैं। अब 10% को हम नहीं रोक सकते, 90% 100% थोड़ा पीते हैं, पीते तो 10% ही है ना, तो क्या होना चाहिए? सबको बदनाम थोड़ा होना चाहिए, इस पे क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो बाबा ही बता सकते हैं, हम तो भोले बाबा। हाँ भाई, वो जो पैदल चल रहे हैं 180 किलो का वो जल लेके आ रहे हैं, तो उनको कहीं सत्य तो मिल रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? तुलाल।
कैसे देखते हैं इस सावन का महीना चल रहा है कावड़ यात्रियों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भोलेनाथ का कैसे देख रहे हैं भैया? बातचीत तो सुन ही चुके होंगे, क्या सब चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बस ये है कि जो नशे के ऊपर खिलाफ है उसको सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जो भी है कवाड़िये है जा रहे, बहुत अच्छी बात है, जल लेके जा रहे हैं, सरकार हर चीज की सुविधा दे रही है। बस जो नशे के ऊपर है बात आ रही है तो इसपे कहीं ना कहीं प्रशासन को जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे ये आस्था पे सवाल है। हाँ। और ये आस्था के ऊपर अगर कोई गलत वो करता है तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाँ। जी बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं लेकिन उनके जवाब भी जो है वो जनता के पास है। एक तरफ जो हमारे सहयोगी थे उन्होंने पूरी डेफिनेशन कहें या परिभाषा के साथ इस कावड़ यात्रा को डिफेंड किया, हमसे बातचीत की, तमाम सवाल जो हमने उनसे पूछे थे उनपे जवाब भी दिए। लेकिन इसी के साथ ही जिस तरीके की वीडियोस जो सामने आ रही है इस पे जनता किस तरीके की आपत्ति जता रही है और सरकार इस पर कितनी जल्दी एक्शन लेगी ये देखने का विषय रहेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।